बात कोलकाता की कर लेते हैं। आस्था के महापर्व जगन्नाथ यात्रा जो कि उड़ीसा के पुरी में हर साल और देश के कोने कोने में निकाली जाती है, इस भव्य अवसर पर आज ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ने एनुअल फेस्टिवल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमी और ऐसे में लोगों की सुरक्षा और रथ यात्रा के लिए ओडिशा सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा के दर्शन के लिए तकरीबन 10 लाख श्रद्धालु जुड़े हैं और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी के बाद रथ यात्रा की पूरे बंगाल में आज शुरुआत होगी। सनत रहे कि पूरे बंगाल के कोने कोने में रथ यात्रा निकाली जाती है और ऐसे में उनके बड़े भाई बलराम बहन सुभद्रा की पहिंद विधि से पूजा पाठ आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रथ यात्रा की रस्सी से खींचते हुए शुरुआत रथ यात्रा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तमाम टीएमसी के नेता मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर यह यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा के जरिए अपनी मौसी के घर यानी पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इस रथ यात्रा का आयोजन सिर्फ पुरी में ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्से अहमदाबाद, काशी, वृंदावन, कानपुर, दिल्ली, भोपाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बंगाल और रांची और बिहार में भी किया जाता है।